हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। हमने दिल्ली की सीटों को अलग अलग विषय और मुद्दों के हिसाब से बांटा है और उसका रिजल्ट आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने दिल्ली की 70 में से उन 17 सीटों का भी ब्यौरा निकाला जहां नागरिकता कानून के विरोध में प्रदर्शन हुए। शाहीन बाग का नाम तो आपने खूब सुना होगा, वहां की तस्वीरें भी अभी आपने देखी नहीं, वहां से आज की रिपोर्ट भी हमने आपको दिखा दी है। लेकिन दिल्ली में एक नहीं ऐसी 17 सीटें हैं, तो क्या रहा उनका रिजल्ट? क्या बीजेपी वहां पर परफॉर्म कर पाई या आम आदमी पार्टी का जलवा कायम रहा? हमारी अगली रिपोर्ट में आप समझेंगे। संस्थागत अत्याचार से भागे सिखों, हिंदुओं तथा ईसाइयों ने भारत में शरण ली है, उन लोगों को नागरिकता लेने। पिछले साल 9 दिसंबर को संसद से नागरिकता कानून पास हुआ था, उसके बाद सबसे पहले विरोध की आवाज जामिया से उठी थी। ये विरोध धीरे धीरे पूरी दिल्ली में फैला, सीलमपुर में भी हंगामा हुआ था। उसी दौरान दिल्ली के शाहीन बाग में जो लोग धरने पर बैठे थे वो अभी तक जमे हुए हैं। अगर विधानसभा के हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली की 17 विधानसभा सीटों पर नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ था। अब यह स्पष्ट है कि दिल्ली के इस चुनाव में नागरिकता कानून मुद्दा रहा है। बीजेपी को भले ही इसके पक्ष में वोट न मिले हों, लेकिन इसके विरोध में बीजेपी के खिलाफ जमकर वोट पड़े हैं। इन 17 सीटों में से बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिली है, 14 सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। बीजेपी को सिर्फ विश्वास नगर, घोंडा और करावल नगर में जीत मिली, जबकि बाकी की 14 सीटों तिमारपुर, वजीरपुर, सदर बाजार, चांदनी चौक, बल्लीमारान, मटियाला, जंगपुरा, मालवीय नगर, ओखला, कृष्णा नगर, सीमापुरी, सीलमपुर, बाबरपुर और मुस्तफाबाद में आम आदमी पार्टी जीती है। ये भी साफ है कि दिल्ली में मुसलमानों का वोट सिर्फ आम आदमी पार्टी को गया है। दिल्ली में कुल 18 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट 15% से ज्यादा है। इनमें से 15 सीटों पर आम आदमी पार्टी जीती है, जबकि बाकी 3 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। जिन सीटों पर मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा है वहां बीजेपी का कोई चांस नहीं बन पाया, जैसे सीलमपुर में 46%, ओखला में 43%, बल्लीमारान में 42%, मटिया महल में 40, किराड़ी में 30, बाबरपुर में 38 और मुस्तफाबाद में 35% मुस्लिम वोटर हैं और इन सभी सीटों पर आम आदमी पार्टी की जीत हुई है। बदरपुर में 15%, गांधीनगर में 22 और करावल नगर में 15% मुस्लिम वोटर हैं, यहां बीजेपी को जीत मिली है। न्यूज चैनल इतिहास की सबसे बड़ी सीरीज प्रधानमंत्री सीरीज 2 शनिवार रात 10 बजे।